गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 एडजेक्टिव्स पढ़ाएंगे। क्या सिखाएंगे आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 एडजेक्टिव सिखाएंगे। तो एडजेक्टिव होते क्या है आप जानते हो। एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। मतलब किसी भी नाउन से पहले या नाउन के बाद जो कोई भी शब्द जुड़ता है या जो शब्द लगता है उसे हम विशेषण बोलते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। मतलब जो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसी है, अच्छी है, मीठी है, कड़वी है। जैसे अब हमने एक नाउन ली बुक, तो बुक कैसी है, हैवी है, लाइट है, ब्लैंक है, तो ये हमें कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएंगे कि वो नाउन जो है वो कैसा है। तो जो भी शब्द हम नाउन के साथ जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब ऐसा शब्द जो बताता है हमें, ऐसा शब्द जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, जो ऐसा शब्द जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ आया। सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब फॉर्म। तो सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब मतलब क्या है, कुछ एडजेक्टिव वर्ब से बनते हैं। सम नाउन्स एंड वर्ब्स बिकम एडजेक्टिव विथ सफिक्सेस। मतलब क्या होता है, कुछ नाउन और वर्ब एडजेक्टिव बनती हैं, किससे, सफिक्स से। सफिक्स होते हैं मतलब किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द लगता है, प्रत्यय जो लगता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं, सफिक्सेस बोलते हैं। समझ आया। लाइक वाई, फुल, लेस, एबल, यस, ओके। फॉर एग्जाम्पल फियरफुल, जैसे हमने फियर के आगे फुल लगाया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। होमलेस, होम के आगे क्या लगाया, लेस लगाया, मतलब वो होमलेस बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो बच्चों देखिए यहाँ तो नाउन्स और वर्ब्स एडजेक्टिव बनते हैं सफिक्सेस लगाने से। मतलब सफिक्सेस लगाने से कुछ नाउन और वर्ब्स एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कौन कौन से सफिक्सेस लगाए हैं हमने, वाई, फुल, लेस, एबल, यस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, फियरफुल, होमलेस, इंजॉयबल। समझ आया, फियरफुल, होमलेस, इंजॉयबल। तो बच्चों क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे हमने फियर मीन्स होता है डर, फियर हमने इसके आगे फुल लगाया तो ये बन गया भयभीत, जैसे भयभीत लड़का, फियरफुल बॉय, भयभीत लड़का। उसके बाद कैसे एडजेक्टिव बन गया, फियरफुल। चलिए उसके बाद था नेक्स्ट होमलेस। होम जानते ही हो आप, घर, लेस बिना, मतलब जिसके पास घर नहीं है तो वो क्या हो गया, बेघर। इंजॉयबल, इंजॉय का मतलब होता है मजा, जब मजा करके हमें क्या मिलती है, सुखद, जिस काम में हमको सुख मिलता है उसे हम बोलते हैं इंजॉयबल, सुखद। समझ आया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट अ हैंडसम मैन द प्रिंस वॉज। व्हाट अ हैंडसम मैन द प्रिंस वॉज मतलब कितना सुंदर आदमी राजकुमार था, कितना सुंदर आदमी राजकुमार था। इसमें जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है, हैंडसम। क्या है, हैंडसम। उस आदमी का एक क्या है, गुण है, क्वालिटी है। चलिए उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इनर्मस जर्नी। मतलब किताब बताती है कहानी, किताब कहानी बताती है किसकी, एन इनर्मस टर्निप, एन इनर्मस टर्निप। मतलब तो क्या हुआ, द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इनर्मस टर्निप। मतलब क्या हुआ कि एक विशाल सलजम की कहानी किताब बताती है। किताब क्या बताती है हमें, क्या है किताब के अंदर, एक विशाल सलजम की कहानी बताती है। चलिए उसके बाद है थर्ड सेंटेंस, तो इसमें जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है, इनर्मस। चलिए थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, चाइनीज टी इज अमोंगेस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाइनीज टी इज अमोंगेस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब
चीनी चाय, चीनी की जो चाय है, चाइनीज चाय है, वो दुनिया में सबसे अच्छी है, दुनिया में सबसे अच्छी है। तो इसमें क्या है, चाइनीज, क्या है, चाइनीज टी मतलब चीनी चाय। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि चाय कौन सी चाय, कैसी चाय, चाइनीज चाय, वो कैसी है, दुनिया में सबसे अच्छी है। समझ आया? चलिए, एडजेक्टिव्स ऑल्सो टेल अस हाउ मच, हाउ मैनी और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज। मतलब जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें बताते हैं, एडजेक्टिव हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी या फिर व्हाट काइंड ऑफ, किसके लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी और हाउ मच भी बताते हैं। कैसे बताते हैं कि पर्सन जो है वो कैसा है, किस तरीके का है, हाउ मैनी कितने हैं, हाउ मच कितने हैं। समझ आया? चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स दैट गो विथ नाउंस जनरली कम बिफोर नाउंस। मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, पर कभी कभी क्या होता है, नाउन से पहले आता है। क्या होता है, जो मतलब सामान्य क्या होता है, नाउन से पहले आता है। एंड टेल अस समथिंग अबाउट देम, और उसके बारे में कुछ, और उसके बारे में हमें कुछ बताता है। तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, आमतौर पर क्या होता है, वो नाउन से पहले आता है और हमें बताता है कि उनके, और हमें नाउन के बारे में बताता है, किसके बारे में, उनके बारे में, मतलब नाउन के बारे में बताता है। तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है ये। दे आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चन होता है वो किसमें होता है, किस तरीके का, किस तरह का, किसमें होता है, किस तरह का, काला, गोरा, मीठा, कड़वा, खट्टा, अच्छा, बुरा, किस तरह का, ठीक है। तो इसको हम, ये होता है जो, जिसमें हमारा आंसर व्हाट काइंड ऑफ, इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसमें पूछा जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ। तो ऐसे जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। चलिए, उसके बाद जो सेकेंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट क्वांटिटी एंड आंसर हाउ मच। मतलब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो हमें क्वांटिटी की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, और आंसर जो होता है इनका, जो हम पूछते हैं आंसर, वो हम किसमें पूछते हैं, हाउ मच कितना, किसमें पूछते हैं बच्चों, हाउ मच कितना। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट पर्सन और थिंग। अब जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो पर्सन और थिंग्स, पर्सन या फिर किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु पर, वस्तु की ओर पॉइंट करता है, उसके ऊपर और संकेत करता है, क्या करता है, जैसे वे किताबें, तो उस किताब की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए, उसके बाद लास्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउंस टू आस्क क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, क्या पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, नाउन से पहले उपयोग किए जाते हैं। तो आपको समझ आया, तो मैंने आपको आज कौन कौन से एडजेक्टिव समझाए बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए, अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों, अब हम एक बार एडजेक्टिव के टाइप्स को देखते हैं। तो क्या है एडजेक्टिव, क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है जो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए, अब हमको एडजेक्टिव के टाइप्स देखते हैं। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन टुगेदर विद द नाउन इन द सेंटेंस। मतलब क्या है, हम जो सेंटेंस होता है उसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से
डिफाइन कर सकते हैं किसमें से, सेंटेंस में से, क्या करके, बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस को पूछकर, क्वेश्चंस को पूछकर, टुगेदर विद द नाउन एंड इन द सेंटेंस, किसके साथ, नाउन के साथ, समझ आया, किसके साथ, नाउन के साथ, तो समझ आया। तो हम कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरह का, हाउ मैनी या फिर हाउ मच, हाउ मैनी या फिर हाउ मच, एंड लास्ट विच, और क्या पूछ सकते हैं, विच कौन सा, तो हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना, विच कौन सा, समझ आया। चलिए तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव का टाइप है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, तो जो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है उसमें हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, क्या पूछते हैं बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरीके की है, जो भी चीज है उसका गुण क्या है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम जो भी हमारी नाउन होती है उसका क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, गुण देखते हैं, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीज है वो किस तरह की है, समझ आया आपको, कि जो नाउन है वो किस तरह की है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, ही इज अ ब्रेव पर्सन, ही इज अ ब्रेव पर्सन, तो पर्सन किस तरह का है बताइए, ब्रेव है, पर्सन किस तरह का है, ब्रेव है, तो ब्रेव क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, पर्सन कैसा है, ब्रेव है, तो लिखा है ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, पर्सन किस तरीके का है, ब्रेव है, समझ आया, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है और जो पर्सन है वो किस तरीके का है, ब्रेव है। चलिए अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस, सी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस, जो वॉइस है, आवाज है वो किस तरह की है बताइए बच्चों, ब्यूटिफुल है, जो वॉइस है, आवाज है वो कैसी है बताइए, ब्यूटिफुल है, अच्छी है, सुंदर है, तो इसमें बताइए हमारा एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटिफुल, और वो किस चीज की क्वालिटी बता रहा है, आवाज की क्वालिटी बता रहा है कि आवाज जो है वो कैसी है, किस तरह की है, अच्छी है, सुंदर है, समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो अगला एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसमें हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इसमें हम क्या पूछते हैं क्वेश्चन, हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब हम इसमें पूछते हैं कि चीज जो है वो कितनी है, जो भी हमारी नाउन है वो कितनी है, समझ आया। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, तो पहले यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन दिया है और फिर उसके बाद हमने आपको आंसर दिया है, समझ आया आपको, पहला वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पर जो है वो आंसर है। तो हाउ मच वॉटर इज देयर इन द जग, हाउ मच वॉटर इज देयर इन द जग, मतलब जग में कितना पानी है, जो जग है उसमें कितना पानी है, तो बताइए कितना पानी है जग में, देयर इज सम वॉटर इन द जग, जग में क्या है, जग में थोड़ा पानी है, तो जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है, सम, थोड़ा, समझ आया, देयर इज सम वॉटर इन द जग, जग में कितना पानी है, जग में थोड़ा पानी है, तो सम क्या है बताइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, समझ आया आपको। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, आंसर द क्वेश्चन विच, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग पर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, और क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या निकलता है उसका, विच, समझ आया ये आंसर कि विच। चलिए तो बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, दीज मैंगोज आर टेस्टी, दीज मैंगोज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है इसमें दीज के साथ क्या आया है, मैंगोज आया है, दीज मैंगोज मतलब ये मैंगो कैसे हैं, अच्छे हैं, ये मैंगो कैसे हैं बच्चों, अच्छे हैं, दीज मैंगोज मतलब ये मैंगो कैसे हैं, टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं। अब यहीं पर अगर ये आ जाता, दीज आर
टेस्टी मैंगोज। तो यहां पर क्या होता, जो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमारी नाउन है, वो यहां पर दीज हो गई और यहां पर जो एडजेक्टिव हो गया वो टेस्टी हो गया। समझ आया आपको? तो जो यहां पर हमारा एडजेक्टिव हो गया दीज मैंगोज, तो ये यहां पर किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? मैंगो को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैंगो कैसे हैं, बताइए, टेस्टी हैं। ये जो मैंगो हैं, मेरे पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये जो मैंगो हैं वो कैसे हैं, टेस्टी हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विच मैंगो? तो दीज मैंगो। तो ये समझ आया कौन सी प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए उसके बाद, दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो विच बुक? दोज बुक, कौन सी किताब? ये वाली जो मैं बता रही हूँ, ये वाली किताब कैसी है? इंटरेस्टिंग है, मनोरंजन है, मनोरंजक है। समझ आया? या मजेदार है। तो दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, कौन सी बुक? दोज बुक। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है? दोज। समझ आया? चलिए अगला टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि हम किसी भी नाउन के लिए, तो बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें हम किसी भी नाउन्स के लिए क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो पढ़ते हैं, द वर्ड्स विच आस्क क्वेश्चंस दे आर ऑलवेज फॉलो बाय नाउन। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। किसके लिए फॉलो किया जा रहा है? नाउन के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट विच बुक, विच बुक कौन सी किताब, व्हाट आंसर, क्या आंसर या कौन सा आंसर। समझ आया? चलिए देखते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल है हमारा पहला, विच बुक दैट यू लॉस्ट। विच बुक दैट यू लॉस्ट, कौन सी किताब जो तुमने खो दी, कौन सी किताब जो तुमने खो दी। तो बच्चों यहां पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है, विच बुक, कौन सी किताब जो तुमने खो दी। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा क्या है, हूज पेन आर यू यूजिंग। तुम कौन सा पेन उपयोग कर रहे हो या तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो। तो कौन सा पेन है बताइए, हूज पेन, कौन सा पेन है, हूज पेन। समझ आया आपको? चलिए तो लास्ट सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, व्हाट शो आर, तो जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट शो आर यू वॉचिंग, मतलब तुम कौन सा जो शो है वो देख रहे हो। व्हाट शो, कौन सा शो देख रहे हो, तो आप कौन सा शो देख रहे हो, तो इसमें एडजेक्टिव हमारा क्या है, व्हाट। समझ आए आपको? तो जैसे विच बुक, विच क्वेश्चन, विच आंसर, विच टॉय, कौन सा खिलौना। तो जब हम ऐसे किसी से पूछते हैं तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो बच्चों आपको चारों एडजेक्टिव समझ आए? तो आज हमने कौन से एडजेक्टिव पढ़े हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ आया आपको? चलिए गुड बाय।